नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 अगस्त 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों, उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहेगा साथियों इन्फ्यूजन नोट से। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भूगर्भीय सर्वेक्षण में किस जिले में क्रोमियम, निकल के 4 और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक है मिला है, तो आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। अब अपने बात करेंगे साथियों भूगर्भीय सर्वेक्षण। अब निदेशालय स्तर पर ब्लॉक काउंटेंट की तैयारी, डूंगरपुर में क्रोमियम, निकल के 4 और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला। माथुका, पड़ाल, देवल, रोहनवाड़ा, खानमान में है मिले हैं ब्लॉक। ये देखिए साथियों, अब अपने बात करेंगे। कुछ साल पहले साथियों डूंगरपुर है जो मार्बल और फ्लोराइड के कारण होती थी पहचान। डूंगरपुर में शॉप स्टोन, क्वार्ट, पत्थर समेत अन्य खनिजों को निकाला जाता है। अब भूगर्भीय सर्वेक्षण में निकल क्रोमियम की भी उपस्थिति सामने आई है। निकल क्रोमियम के 4 ब्लॉक पर फ्लोराइड का 1 ब्लॉक मिला है। आगे निदेशालय स्तर से निकल क्रोमियम के ब्लॉक काउंट ने किया जाएगा। जानकारी के अनुसार खनन विभाग की तरफ से कंपोजिट लाइसेंस दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि खान मंत्रालय के तहत विशेष समिति ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों के एक समूह की पहचान की है, इसमें निकल भी शामिल है। खनिज विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसकी फाइल निदेशालय स्तर पर पहुंचा दी गई है और आगे कार्रवाई है जो शुरू कर दी जाएगी। तो ये दोनों इंपोर्टेंट रहने वाला है। सरकार का बढ़ेगा राजस्व, रोजगार के भी अवसर बनेंगे। निकल व क्रोमियम के 4 ब्लॉक मिले हैं, इससे सरकार को राजस्व का फायदा होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, लेकिन कंपोजिट लाइसेंस दिए जाने के बाद ही इस पर है जो कार्य हो सकेगा। तो ये सब चीजें साथियों इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। डूंगरपुर में क्वार्ट्ज, क्ले, सोपस्टोन, फेल्स पर अच्छी मात्रा में निकल रहा है। क्वार्ट्ज की क्वालिटी यहाँ की अच्छी होती है। यहाँ पर मिल्की और स्नो क्वार्ट्ज निकलता है जो सीधे कांच बनाने के लिए काम में आता है। अब साथियों क्रोमियम, निकल के 4 और फ्लोराइड का 1 ब्लॉक भी है जो मिला है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है। ये जो 4 जगह हैं खानमीन, रोहनवाड़ा, देवल, मातुकम, पड़ाल, यहाँ पर है जो साथियों ये 4 ब्लॉक हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रहने वाले हैं, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर 4.9 स्क्वायर किमी, देवल में 99.24 हेक्टर, रोहनवाड़ा में 852 हेक्टर है। ये सब जानकारी इसके अंदर साझा की गई है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्र से यहां पर साथियों आप कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा, यहां पर आप कैंसर कर लेना साथियों, कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यानी साथियों राजस्थान सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक जो अपना वासी है उसको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, जिसके चलते साथियों कैंसर जैसी बीमारी के लिए है तो स्टेट इंटीग्रेट कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 0% ब्याज मुक्त फसल योजना लॉन्च की है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा साथियों इसके अंदर है जो अल्पकालीन फसल व पशुपालन लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। समय पर लोन चुकाने वाले को किसी भी प्रकार का है जो ब्याज नहीं देना पड़ेगा। यानी साथियों केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा है जो अल्पकालीन फसल व पशुपालन लोन उपलब्ध कराया जाएगा और जो समय पर साथियों इसके अंदर लोन चुकाएंगे उन्हें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 50% ब्याज मुक्त ये योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा है जो शुरू की गई है। तो ये क्वेश्चन आप में इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। और साथियों जो समय पर अपना लोन नहीं चुकाएंगे उन्हें करीब 10% के आसपास है जो साथियों अपना वो देना पड़ेगा कमीशन या जो भी होगा उसके हिसाब से, यानी 10% का टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। हाल ही में किसे राजीव गांधी लाइफ टाइम क्रिकेट अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, तो तापोश चटर्जी। राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से तापोश चटर्जी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये साथियों 1990 से 2004 तक राजस्थान रणजी टीम के कोच रहे हैं। साथ ही साथियों ये राजस्थान के लिए है जो साथियों इन्होंने 16 प्रथम श्रेणी है जो क्रिकेट मैच खेले हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसे राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, तो आंसर हो जाएगा तापोश चटर्जी को दिए जाने की घोषणा हो चुकी है।
दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया? गौरी देवी। 18 अगस्त 2024 को जोधपुर में आयोजित वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती समारोह में मांड गायिका कौन है? गौरी देवी को दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। तो ये सब चीज़ें साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी लाइफ टाइम क्रिकेट अचीवमेंट पुरस्कार और ये जो वीर दुर्गादास राठौड़ का जो साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे के सीधे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 कौन बनी है? वैष्णवी शर्मा, यह जयपुर की रहने वाली है। 23 वर्षीय वैष्णवी शर्मा को फेमिना मिस इंडिया राजस्थान का खिताब, ये साथियों 23 वर्षीय वैष्णवी शर्मा ने यह खिताब अपने नाम किया है। अब वे मिस वर्ल्ड की दौड़ में शामिल हो गई है। ये राजस्थान को फेमिना मिस इंडिया में रिप्रेजेंट करेगी। फेमिना मिस इंडिया की विजेता मिस वर्ल्ड में देश को रिप्रेजेंट करती है। इनके जो मेंटर योगेश मिश्रा व निमिष मिश्रा ने बताया कि वैष्णवी शर्मा मॉडल और टेरो कार्डेडर के रूप में भी है जो कार्य करी है। प्रदेश के राज्यपाल ने इन्हें वुमेन आइकन अवार्ड 2024 में भी सम्मानित किया है। वैष्णवी अभिनेत्री करीना कपूर के साथ काम है जो ये कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 कौन बनी? तो आपका आंसर हो जाएगा वैष्णवी शर्मा बनी और ये जयपुर की रहने वाली है। ये था आज के करंट अफेयर्स का सेशन। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिविजन करते हैं कि श्रीलंका में हुई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की दीपा माथुर ने कौन सा पदक है? गोल्ड जीता। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर हुए समारोह में प्रदेश की किस छात्रा ने भाग लिया? तो निकिता जाट। ऑनर्स एक्सीलेंस USPA अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मनोज बोहरा को। ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों? जोधपुर के। और निकिता जाट का संबंध अगर आपसे पूछे कहाँ से है, तो इनका जो संबंध रहेगा वो आपका रहेगा साथियों सीकर से, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत किसने की? गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? कि राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण चिकित्साएं सुविधाएं हों वो प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचे, जिसके तहत जो साथियों राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत है, जो चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा है जो साथियों की गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 13 से 15 सितंबर को किया जाएगा। प्रदेश में चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 13 से 15 सितंबर को है जो साथियों जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे राजस्थान के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लगातार साथियों आपको इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा है जो क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है, मेरा प्रयास रहता है कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिले और साथियों इस प्रकार का करंट अफेयर्स मिले जो आपके लिए उपयोगी हो, यानी कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट में देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। यह प्रयास अगर आपको सार्थक लग रहा है तो साथियों से लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है जो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है और स्मार्ट स्टडी साथियों अपने को करनी है, जिससे ही अपना सिलेक्शन हो पाएगा। करंट अफेयर्स के पीछे आपको 1 घंटा 2 घंटे का समय नहीं लगाना है, तो जुड़े रहिए साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स हैं जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा आपको हैंड रिटन नोट्स की सुविधा है जो ई नोट्स के अंदर दी जा रही है, उसका भी आप जरूर फायदा उठाइएगा, जिससे आपका काफी समय बचेगा और आप काफी है जो साथियों अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे पाएंगे। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। मिलेंगे साथियों अगले सेशन की तरफ। धन्यवाद।